एक देश एक चुनाव पर पीएम ने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करना उनकी पार्टी के घोषणा पत्र का प्रमुख वायदा रहा है। इसलिए इसे लागू करना उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है। देश में कई लोग हमारे साथ आए हैं, कई लोग ने समिति को अपने सुझाव भी दिए, बहुत सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव आए हैं। अगर हम इस रिपोर्ट को लागू कर पाए तो देश को बहुत फायदा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट है, हमने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में देश में बहुत लोग ऑन बोर्ड आए हैं। ईवीएम को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना कहा, हार के लिए लोग अभी से कारण तैयार कर रहे हैं ताकि हार का दोष सीधे तौर पर उन्हें ना दिया जाए। और उसका नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं। सोशल मीडिया पर आपने पेंगुइन के अलग अलग मजेदार अंदाज तो कई बार देखे होंगे। एक बार फिर पेंगुइन का ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसे हर कोई पसंद कर रहा है। देखिए क्या है वो वीडियो। नन्हे बच्चों को सुबह देख ले तो दिन अच्छा लगने लगता है। ये प्यारा सा वीडियो देखिए जो लगातार सोशल मीडिया पर लोग बार बार देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सारे पेंगुइन्स दिख रहे होंगे। एक साथ शांति के साथ जाते हुए ये पेंगुइन्स किसी को भी पसंद आ जाए, लेकिन इनके बीच एक पेंगुइन इस भीड़ से निकलता है जिसके पीछे आपको एक बैग लटका हुआ दिख रहा होगा। ये वीडियो इतना प्यारा है कि लोग इसे दिन भर में कई बार पोस्ट कर रहे हैं। गार्डन में टहलने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं? शायद एक या दो। लेकिन एक वीडियो अब सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है जो आपको गार्डन में घूमने का नया तरीका बता रहा है। देखिए ये क्या है वीडियो। क्या गार्डन जाते हैं? जाते ही होंगे। कभी टहलने, कभी किसी से मिलने या फिर खुद का तनाव कम करने के लिए अक्सर लोग पैदल ही गार्डन में यात्रा करते हैं। लेकिन ये टेक्निक बहुत पुरानी है। जानते हैं क्यों? ऐसे ही वीडियो हमारे पास आया है जिसमें आपको ये लोग बैठकर हवा में एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नजर आ रहे होंगे। इतना ही नहीं बल्कि इस झूले में आपको कार की तरह सीट बेल्ट भी मिलेगी जिसे आप लगाकर आगे का अनोखा सफर पूरा कर सकते हैं। सड़क पर हादसों की कमी नहीं है। आए दिन अलग अलग तरह के हादसे हमने देखे हैं। कई बार तो चलती गाड़ी में भी आग लग जाती है। लेकिन क्या आपने करोड़ों की गाड़ी को किसी को फूंकते देखा है? नहीं ना, तो इस वीडियो में देखिए। पैसों का लेन देन कितने तरह का विवाद खड़ा करता है, ये तो शायद ही किसी से छुपा हुआ हो। पीली रंग की दिख रही है कार जलती हुई देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। हैदराबाद से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें पैसों का विवाद इतना बढ़ गया कि चलते हुए बीच सड़क 3 करोड़ की गाड़ी जला दी गई। हैदराबाद के पाड़ी शरीफ इलाके में कुछ लोगों ने पैसों के विवाद के चलते कार के मालिक को बाहर बुलाया और फिर वहां जाने पर उसकी गाड़ी जला दी गई और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और इन दिनों एक लूटपाट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वजह क्या है आप खुद देखकर समझिए। लूटपाट के कई वीडियो अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप ये जरूर बोलेंगे कि ये वीडियो लूट का नहीं है। गौर से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दो शख्स बाइक से आते हैं। एक युवक सड़क के साइड में बैठकर अपना फोन चला रहा होता है, तभी वो दोनों बाइक सवार आते हैं, आसानी से रुकते हैं। फिर बदमाश उसे बंदूक दिखाते हैं, दूसरे बाइक सवार को अपना सारा सामान निकाल कर देना शुरू कर देता है। ये सारी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां से ये देख अब लोग सोशल मीडिया पर इसके मीम्स बना रहे हैं और तेजी से ये वीडियो शेयर किया जा रहा है।
अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप मगरमच्छ को खाना खिला सकते हैं, क्या उसे प्यार कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन एक शख्स ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। मगरमच्छ को आपने कभी छुआ है, प्यार किया है, चलिए छोड़िए, कभी आपने उसे खाना खिलाया है, जवाब होगा नहीं। लेकिन इस शख्स का मगरमच्छ के साथ प्यार देखिए। ये भाई साहब मगरमच्छ को खाना खिलाते हैं और उसे खूब प्यार करते हैं। मगरमच्छ भी बिना कुछ कहे आसानी से उस शख्स के हाथ का खाना खाता है। वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं। आप भी सोशल मीडिया पर जाइए और ये वीडियो देखिए। मोर को देखकर हर कोई खुश हो जाता है, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, हर कोई मोर को देखकर खुश होता है। लेकिन अगर आप मोर से चालाकी करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है? नहीं तो इस जरा वीडियो को देख लीजिए, फिर समझ जाएंगे आप। इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद ही अपनी हंसी को रोक पाएंगे। इस लड़की को देखकर आपके मन में कई तरह के ख्याल आ सकते हैं। ये लड़की मोर को इतनी तेजी से गोद में लेकर हटाती है जैसे इस लड़की का कुछ सामान रखा हो। मोर के हटते ही कई सारे अंडे दिखाई देते हैं, तो वहीं मोर के अंडे जाते देख मोर को पसंद नहीं आया और वो सीधा लड़की पर हमला कर देता है। इसके बाद क्या होता है वो आपके सामने है। लोग अब इस वीडियो को चोरी से जोड़कर मीम्स बना रहे हैं। देखिए लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गजों का मेगा चुनाव प्रचार भी जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज जो हैं एक बार फिर चुनावी प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। एक मिनट में पूरी खबर आप सबको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गजों के जोरदार प्रचार का सिलसिला जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां करेंगे। जम्मू में अमित शाह जुगल किशोर शर्मा की जीत के लिए प्रचार करेंगे, तो वहीं उत्तराखंड में अनिल बलूनी के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा छिंदवाड़ा सीट पर शाह जीत के लिए रोड शो करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दक्षिण में प्रचार की कमान संभालते हुए तमिलनाडु में 3 रोड शो करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज नगीना, कैराना और सहारनपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आज राजस्थान के अलवर में एनडीए उम्मीदवार भूपेंद्र यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी और नगीना, बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले सिर्फ दिल्ली में 200 संकल्प सभा बैठक करने वाली है और इसका मकसद अरविंद केजरीवाल को लेकर समर्थन जुटाना, चुनाव में जीत हासिल करना है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के 4 लोकसभा क्षेत्रों में 200 संकल्प सभा बैठकें करेंगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जन समर्थन जुटाने के मकसद से ये संकल्प बैठकें करेंगी। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल हो चुका है और उसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी 200 संकल्प सभा बैठकें करेंगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड के खिलाफ समर्थन बढ़ाने के लिए आप द्वारा शुरू किए गए जेल का जवाब वोट से अभियान का पहला चरण 25 अप्रैल को समाप्त होगा। वहीं आप नेताओं ने दावा किया कि घर घर चल रहे जेल का जवाब वोट से अभियान के तहत 3 लाख परिवारों में से अधिकांश ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके साथ जेल में किया गया व्यवहार गलत था। वहीं अगले हफ्ते से केजरीवाल जेल में मंत्रियों के साथ उनकी विभागों के कामों की समीक्षा बैठक करेंगे, यानी जेल से सरकार चलाने की पूरी तैयारी है। कल ही पंजाब सीएम भगवंत मान ने जेल में केजरीवाल से मुलाकात की थी।